दोस्तों, स्वागत है आपका आज के दिमागदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाले बहुत ही ज्यादा अमेजिंग। आज हम बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे, इथेरियम का एनालिसिस करेंगे कि कैसे ये कॉइन है वो अभी के टाइम के अंदर ऑल टाइम हाई को टच कर सकते हैं, ठीक है। और देन इसके साथ साथ मैं आपको चार ऐसे अल्ट कॉइन भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप क्या है कि उन कॉइन को बाय कर सकते हो, ओके। तो वो कॉइन डिप के अंदर अभी के अंदर चल रहे हैं, हम चार्ट की हिस्ट्री को देखते हुए उसको आपके साथ पूरी तरह एनालिसिस करके मैं आपको बताऊंगा कि ये कॉइन आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो और देन कैसे आप वहां से प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलते सीधा हम यहाँ पे BTC का चार्ट मैंने यहाँ पे खोल रखा है। अगर आप देखोगे BTC का फोर आवर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे चार्ट मैंने ओपन कर रखा है BTC का, ठीक है। यहाँ पे अभी के टाइम के अंदर BTC के अंदर वॉल्यूम है वो बिल्ड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज अगर आप देखोगे तो ये 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे मार्केट क्या है कि बहुत ज्यादा सस्टेन है वो कर रहा है, अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे होल्ड कर रहा है। पहले आपने देखा होगा कि यहाँ पे BTC जो है वो बहुत ज्यादा डंप किया, देन यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न अभी बन रहा है और देन ब्रेकआउट दे चुका है। अभी अगर ये जहाँ पे ये चीज का ब्रेकआउट हो गया 43,960 का, ये यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई का वो यहाँ पे क्या है का रेजिस्टेंस है। अगर इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया तो देन इसके साथ साथ आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो 82,000 का रहेगा डॉलर का, ठीक है। यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना, अभी के टाइम के अंदर ये जो रेजिस्टेंस है इतना मेजर नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी एक बार और दूसरी बार ये यहाँ पे टच है वो हो चुका है और देन तीसरी बार यहाँ पे टच होने जा रहा है और तीसरी बार ये ब्रेक होने के चांसेस ज्यादा है इसके, ओके। तो BTC के अंदर आप लॉन्ग पोजीशन ले सकते हो, बस अभी वेट करना जैसे इथेरियम की ETF की अप्रूवल की न्यूज है वो आ रही है, ओके। अभी अप्रूवल नहीं हुआ है, कुछ कमियां है वहां पे और देन उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इथेरियम जिस दिन उसकी अप्रूवल की डेट आनी थी, जिस दिन अनाउंसमेंट होनी थी, देन उसी दिन वो डंप हो गया, ओके। तो काफी ज्यादा वहां पे क्या था कि वो डाउन चला गया था। अभी उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो दोबारा से रिकवरी है वो रात की हो चुकी है, ओके। अगर आप देखोगे तो कल रात की यहाँ पे रिकवरी है वो बहुत ही जल्दी हो चुकी है और देन उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा मूवमेंट भी देखने को मिल रहा है, ओके। तो देन इसी मूवमेंट का फायदा आप उठाना है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इथेरियम को आप लॉन्ग कर सकते हो। यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मैंने यहाँ पे इसका चार्ट है वो ओपन कर रखा है। यहाँ पे ये इसकी सपोर्ट के ऊपर अभी के टाइम के अंदर होल्ड है वो कर रहा है, 33,700 की ये सपोर्ट है जो इसको होल्ड कर रहा है अभी के टाइम के अंदर। और देन आप इसके अंदर एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो, जैसे ही ये कैंडल का हायर हाई ब्रेक होता है, ठीक है, जैसे ही ये कैंडल का हायर हाई ब्रेक होता है 3,800 का जैसे ही हायर हाई ब्रेक होता है, देन आप एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो यहाँ तक की, ओके। तो ये 4,000 का जो टारगेट है इसको आराम से यहाँ पे अचीव वो हो जाएगा, ओके। तो आपने क्या करना है, इसको फटाफट जाके जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है आप छोटे टाइम फ्रेम के अंदर 15 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाके यहाँ पे एक लॉन्ग पोजिशन वो बना सकते हो। यहाँ पे ये एक बार इसको टच करके नीचे आएगा, फिर जहां से ये इस चीज को ब्रेक करेगा इस रेजिस्टेंस को, देन एक बड़ा टारगेट आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, ओके। तो इस चीज का आप जाके फायदा जरूर उठाना। ऐसा नहीं है कि अभी के टाइम के अंदर, जैसे अभी मार्केट के अंदर जितनी भी न्यूज आ रही है उसके हिसाब से अभी के टाइम के अंदर क्रिप्टो मार्केट के अंदर बहुत अच्छा एक बुल रन चल रहा है, ओके। तो ऐसा ना हो कि आप अभी एक्टिव रहना मार्केट के अंदर, कोई भी न्यूज आए तो देन क्या है कि आप उस चीज का फायदा उठा सको, ओके। ऐसा नहीं है कि सोते ही रहना है, तो वो चीज नहीं करनी है। अभी के टाइम के अंदर थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ, आने वाले टाइम के अंदर एक बहुत अच्छा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा अल्ट कॉइन के अंदर भी, ओके। अल्ट कॉइन का आपको एक चीज मैं फेस बता देता हूँ, जैसे इसके 2 से 3 फेस होते हैं जैसे अगर आप क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। पहला, सबसे पहला, जब भी आप बिटकॉइन को बाय करते हो, ओके, जब भी कोई भी कंट्री के अंदर जो भी जैसे आप सामने से पैसा डालते हो, ठीक है, तो सामने से आप INR के थ्रू USDT खरीदते हो और USDT के थ्रू फिर आप बिटकॉइन के अंदर पैसा लगाते हो, ओके। बिटकॉइन के बाद सबसे जो बड़ा कॉइन है वो है बिटकॉइन। बिटकॉइन के बाद पैसा आता है इथेरियम के पास, ठीक है, जैसे अभी इथर के पास। अभी इथर देखिए आप, सबसे बड़ा सेकेंड लार्जेस्ट कॉइन है वो इथेरियम है, ओके। तो इथेरियम के पास पैसा आता है, फिर पैसा कन्वर्ट होता है, जैसे उसके बाद यहाँ पे इथेरियम से पैसा निकलता है वो आता है सोल के अंदर, एवेक्स के अंदर, ADA के अंदर, ठीक है।
फिर उसके बाद यहाँ पे अल्ट कॉइन का सीजन है वो आ जाता है। अभी अल्ट कॉइन का सीजन है वो बहुत जल्दी आने वाला है, लेकिन आप एक्टिव रहेंगे तभी आप वहां पे अल्ट कॉइन को यहाँ पे एक्युमुलेट कर सकते हो, वहां से प्रॉफिट है वो निकाल सकते हो। तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि यहाँ पे आपको अल्ट कॉइन के अंदर अगर आप पैसा बनाना है तो आपको एक्टिव ज्यादा रहना पड़ेगा। ओके, तो जैसे जैसे आप एक्टिव रहेंगे तभी आप पैसा बना पाएंगे, नहीं तो आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो पैसा नहीं बना पाएंगे। ओके, तो ये चीज क्लियर है। अभी अल्ट कॉइन की मैं हर वीडियो में बात कर रहा हूँ, पिछली भी मैंने 2 से 3 वीडियो ऑलरेडी बनाई है इसके अंदर, तो अगर नहीं देखी है तो जाके देख लेना, उसके अंदर ही मैंने आपको कॉइन है वो सजेस्ट करे हैं, तो जाके एक बार वीडियो को देख लेना। आपको कॉइन कैसे ऐड करने हैं वो चीज़ आपको आती होगी, और देन अपने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड करते जाइए ताकि आपका पोर्टफोलियो ग्रो होता रहे। ओके, तो आज की वीडियो के अंदर भी मैं आपको 4 ऐसे अल्ट कॉइन है वो बताने वाला हूँ जिसके अंदर आप पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो अपने, और देन आप वहां पे प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला जो कॉइन है हमारा मैटिक्स कॉइन, ठीक है, मैटिक कॉइन जो है ये भी एक बहुत अच्छा, अभी के टाइम के अंदर अगर आप देखोगे तो इसका ऑल टाइम हाई कितना है, $1 के आसपास, ठीक है, $1.5 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई है। और ये अभी भी कहाँ है, एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक जोन के अंदर ट्रेड है वो कर रहा है। जैसे ये इस लेवल को ब्रेक करेगा, यहाँ पे ये वाला लेवल, देन आप इसके अंदर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो ढूंढ सकते हो, और देन इस कॉइन को अपने पोर्ट वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लो। जैसे ही इस सपोर्ट का या इस रेजिस्टेंस का हायर हाई ब्रेक होता है, देन एक रैली आपको देखने को मिलेगी इस कॉइन के अंदर। ओके, तो इस कॉइन को भी आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो, जिसके थ्रू आपको एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिलेगी। अगर पिछले मूवमेंट के थ्रू भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, जब इसको ब्रेक किया तो देन एक ऑल टाइम हाई है वो यहाँ पे अपना लगाया था। तो इसी तरह से क्या है कि आपने भी क्या करना है, यहाँ पे इसको यहाँ पे होल्ड करना है, अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखना है, देन आप यहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट है वो कैप्चर कर सको। ठीक है, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये अभी के टाइम के अंदर एक जोन के अंदर घूम रहा है यहाँ पे। तो देन इसी तरह से क्या है कि जैसे इसका हायर हाई ब्रेक होगा, इस रेजिस्टेंस का ब्रेक होगा, आपको ऑल टाइम हाई एक बार टारगेट है वो जरूर देखने को मिलेगा। तो इस कॉइन को भी आप अपने रडार के अंदर रख सकते हो, अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। यहाँ पे जैसे ही है 0.8881 के आसपास आएगा, देन आप इसको अपने वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कर लो और बाय करना स्टार्ट कर दो, इसके अंदर छोटी छोटी बाइंग करना स्टार्ट कर दो, ताकि आपके पोर्टफोलियो के अंदर गेन है वो होना चालू हो जाए। ठीक है, दूसरा जो हमारा कॉइन है वो है IMX USDT। ओके, इसका भी सेम वही है, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने इसका ऑल टाइम हाई जो निकाल रखा है वो है $3 के आसपास, और अभी ये जो कॉइन है वो चल रहा है वो $2.5 के आसपास इसका ऑल टाइम अभी के टाइम के अंदर ये चल रहा है। ओके, तो देन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है वो फेस कर रहा है, ये इस रेजिस्टेंस को अगर ये ब्रेक करता है और सपोर्ट करता है इस रेजिस्टेंस को, ओके, देन यहाँ पे होल्ड करता है, तो देन आपको ये टारगेट है वो आराम से देखने को मिल जाएगा ऑल टाइम हाई के द्वारा। ठीक है, ये वाला टारगेट आपको आराम से देखने को मिलेगा। इसके बाद इसका जो लाइफ टाइम का टाइम फ्रेम के अंदर जो इसने ऑल टाइम हाई मारा था पूरी लाइफ के अंदर, वो था $4.5 का हाई मारा था इसने। ओके, तो पहले तो आपको ये टारगेट मेकनो मिलेगा, पहला टारगेट, दूसरा टारगेट आपको मिलेगा $4.5 का। ओके, तो अभी ये $2.5 के आसपास चल रहा है, मतलब इसके अंदर अभी भी $2 की यहाँ पे कैपेसिटी है इसको ग्रो करने की। ओके, तो देन इस कॉइन को अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो, जैसे 260 या फिर $2.8 के ऊपर जैसे ही जाता है देन आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हो, और ये वाला टारगेट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो इस कॉइन को भी आप अपने रडार के अंदर रख सकते हो। वैसे अभी देखिए यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर भी अभी भी ये काफी ज्यादा यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे सपोर्ट है वो कर रहा है। ओके, तो देन यहाँ पे क्या है कि इस रेजिस्टेंस को अगर ये होल्ड करता है तो देन आपको एक नेक्स्ट मूव बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा जो कि इस तरह का होगा, और देन यहाँ पे आपको $3.8 के आसपास यहाँ पे आपको देखने को ये मिल जाएगा। ओके, इसके बाद जो हमारा तीसरा जो कॉइन है
वो है ओपी। कौन सा कॉइन है? ओपी कॉइन, ठीक है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, ओपी यूएसडीटी। ओके सॉरी ये नहीं है, ओपी यूएसडीटी, ठीक है। तो अभी भी ये कॉइन है, यहां पे अगर आप देखोगे तो ये कॉइन अभी अपने यहां पे $2 के आसपास या $2.50 के आसपास अभी भी ये यहां पे ट्रेड है, वो कर रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये यहां पे सपोर्ट है, ठीक है। इसका हाईएस्ट कितना है? $5 के आसपास इसका हाईएस्ट है, और ये $2.50 के आसपास अभी भी यहां पे ट्रेड है, वो कर रहा है। ओके, तो इस कॉइन को आपने अपने रडार के अंदर रख लेना है। जैसे ही ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसका, इसका ये वाला ये फेस, ठीक है, $3 के आसपास जैसे ही ये ब्रेक होता है, देन आप इसके अंदर अपनी लॉन्ग पोजीशन है वो बना सकते हैं। जैसे ही आप लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे, कहाँ पे बनानी है? $3 के आसपास। जैसे ये $3 का रजिस्टर्स जो है इसको ब्रेक करेगा, देन आप यहाँ पे इसको अपने पोर्टफोलियो के अंदर ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, और देन $5 की रैली तक आप इसको वेट कर सकते हो, ठीक है। $5 तक ये कॉइन है वो आराम से जाएगा अपने पोर्टफोलियो के अंदर, इसको ऐड आप कर सकते हो। और देन हिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जितनी बार इसने अपने यहाँ पे कंसोलिडेट किया है उसके बाद एक तगड़ी रैली दी है, कंसोलिडेट किया है उसके बाद तगड़ी रैली दी है, सेम चीज़ अभी के टाइम के अंदर यहाँ पे हो रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, गिरा, कंसोलिडेट कर रहा है, और एक तगड़ी रैली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी ऑन द अपसाइड। अल्ट कॉइन के अंदर सीजन है वो आने वाला है दोस्तों अभी के टाइम के अंदर, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने अभी के टाइम के अंदर ही अपने कॉइन को यहाँ पे अपनी वॉच लिस्ट को रखा होगा, देन किस किस कॉइन के अंदर ब्रेकआउट हो रहा है, देन आप जाके फटाफट वहाँ पे क्या है कि इन्वेस्ट वो डायरेक्टली कर सकते हैं। ओके, चौथा जो हमारा कॉइन है वो है ARB USDT। ओके, ARB USDT, ये भी कॉइन सेम है अभी के टाइम के अंदर। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने अपना $2.50 के आसपास यहाँ पे इन्होंने अपना हाईएस्ट वो लगाया था। ओके, देन अभी के टाइम के अंदर ये कॉइन है वो चल रहा है $1.25 के आसपास, ठीक है, 1.19 के आसपास यहाँ पे अभी के टाइम के अंदर ये ट्रेड वो कर रहा है। वन डे टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ पे मैंने चार्ट को ओपन कर रखा है, 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप देखोगे तो ये कॉइन भी एक सपोर्ट के ऊपर यहाँ पे क्या है कि कंसोलिडेट है वो कर रहा है। ओके, यहाँ पे सपोर्ट के ऊपर कंसोलिडेट करते हुए अपसाइड की ओर है वो, ये रैली करने के लिए तैयार बैठा है। तो इस कॉइन को भी आप अपने रडार के अंदर रख सकते हो। देखिए मैं आप सबको ये कॉइन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो पिछला चार्ट है ना इनका, उसके हिसाब से कंसोलिडेट किया देन ग्रो, कंसोलिडेट किया ग्रो, कंसोलिडेट किया ग्रो, कंसोलिडेट किया ग्रो, तो इस तरह से चार्ट हमें सेम चीज यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। ब्रेक हुआ, कंसोलिडेट किया ग्रो, ब्रेक किया, कंसोलिडेट किया ग्रो, ग्रोथ ग्रो, तो इस तरह से क्या है कि मार्केट के अंदर ये चीज है वो चलेगी। ओके, तो अभी के टाइम के अंदर ये कॉइन को आप अपने रडार के अंदर रख सकते हो। जैसे ही इसका ये 1.25 का ये वाला ये रेजिस्टेंस है जो, इसको जैसे ही ये ब्रेक करेगा, देन आप यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो। पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट आप ये रख लो, तीसरा टारगेट आपका ऑल टाइम हाई रहेगा इसका। ओके, तो इस तरह से क्या है कि ये जो ऑल्ट कॉइन है चार जो मैंने आपको बताए, इसको आप अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हो। देन आप जैसे जैसे मैंने आपको चीज़ें बताई कि इस पॉइंट के ऊपर आके जैसे आपको लगता है कि यहाँ से ये और ऊपर जाएगा मार्केट के हिसाब से, देन आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। ओके, तो ये चार कॉइन मैंने जैसे आपको बताए, आप इनके अंदर छोटे अपनी वॉच लिस्ट के अंदर पहले ऐड करिए। वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करने के बाद जैसे अगर आपको लगता है कि बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, जैसे इथेरियम का ETF अप्रूवल हो गया, देन उसके बाद अल्ट कॉइन के अंदर बहुत तगड़ा मूवमेंट है वो आने वाला है। ओके, तो जैसे जैसे मूवमेंट आएगा वो सारे के सारे अल्ट कॉइन एक ग्रोथ के अंदर दिखेंगे। तो देन जितने भी मैंने पिछली वीडियो के अंदर और इस वाली वीडियो के अंदर मैंने जितने भी अल्ट कॉइन बताए हैं आपको, उसको अगर आपने अपने वॉचलिस्ट के अंदर ऐड किया होगा तो देन आप वहां पे उनको इन्वेस्टमेंट है वो फटाफट कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट है वो गेन कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर। आप इसको स्पॉट के अंदर भी बाइंग कर सकते हैं और फ्यूचर के अंदर भी बाइंग करके रख सकते हैं। ओके, करना कब है? जब एक बहुत अच्छा मूवमेंट आपको आएगा, और देन अगर आप यहाँ पे सपोर्ट के अंदर बाइंग कर रहे हो तो अभी भी इसको एवरेज है वो कर सकते हो, $1.50 या फिर $1 के आसपास अगर आपको बाइंग मिलती है तो देन आप यहाँ पे इसको बाइंग कर सकते हो। ओके, तो इस तरह से क्या है कि अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करते हुए चलिएगा।
सारा पैसा एक ही कॉइन के अंदर मत डालिएगा, डिवाइड करके डालिएगा, डाइवर्सिफाई करिए, तो देन इसी तरह से आपको आगे भी जानकारी मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। और पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है उसके अंदर ही मैंने अल्टकॉइन बताए हुए हैं, यहाँ पे क्लिक करिएगा, आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।